अमरोहा में नगर निकाय चुनाव के समापन के बाद सभी क्षेत्रवासियों को जीत की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा द्वारा किए गए विकास की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पहले से अधिक सीटों पर विजय घोषित होगी। नगर निकाय चुनाव की सभी सीटों में से 2 सीटों पर टक्कर की लड़ाई है और 5 सीटें हम क्लियर जीतने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव पर नॉइस के विषय में बताइए। देखिए, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त है। जहाँ भी चुनाव पूरे प्रदेश में हुए हैं, पिछली बार से कहीं ज़्यादा अधिक भारतीय जनता पार्टी सीट ये चुनाव जीत रही है। अगर आप अमरोहा की बात करना चाहें तो अमरोहा में हम लगभग 5 सीट से ज़्यादा चुनाव जीत रहे हैं। 2 सीटों में हमारी बहुत लड़ाई है यहाँ पर और 5 सीट लगभग हमारी क्लियर। अच्छा, गजरौला की अगर बात करें तो गजरौला की सीट क्या है? गजरौला की सीट के बारे में आपको बताना, गजरौला की सीट तो सबसे हमारी हॉट सीट है और सबसे नंबर ए श्रेणी की सीट हमारी भाजपा की है। पहले से ही भाजपा ने चुनाव जीत के आई, आदरणीय देवेंद्र नागपाल जी और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे लगे हुए सारे नेता, तो उनके कथक प्रयास से सीट भारी वोट हो जाता है। बहुत लोग खामखा मचा रहे हैं, वोट उनके पास नहीं है, लेकिन वो है कि पैदा करना चाह रहे हैं ऐसी चीज़ें कि भाई हमारा वोट था और हमने, जो हारने वाला प्रत्याशी होता है वो इस टाइप की चीज़ें करता है। सभी जगह होता है, जनरल चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है। जीतने वाले लोग तो बहुत पेशेंस से रहते हैं क्योंकि चुनाव जीत रहे होते हैं। आप सबको बहुत बधाई मेरी तरफ से और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिताने के लिए सभी मतदाताओं को, अपने जनपद में तमाम मतदाताओं को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ख़ास तौर से मैं प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूँ कि शांतिपूर्ण चुनाव उन्होंने हमारे जनपद में करवाया। प्रशासन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आदरणीय हरि सिंह ढिल्लो जी ने बताया यहाँ पर कि पूरे जनपद के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम निकाय चुनाव में फैलने जा रहा है और पहले से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीत के आएंगे, जनपद के अंदर जीत के आएंगे और ये सीट पिछली बार भी अंशु डाकपाल के टिकट हुआ था तो 7,000 के लगभग वोटों से यहाँ चुनाव जीते थे, भारी अंतर से जीते थे। पूरी कमिश्नरी में सबसे बड़ी जीत हुई थी नगर पालिका में, तो इस बार भी मैं समझता हूँ कि उसके आसपास ही जीत होगी और बाकी विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, उसका तो काम यही है और तो कुछ उनके पास में नहीं है। अच्छा, जिस तरह भाजपा और बसपा का लगातार मुकाबला चला है तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से हर जगह पर पूर्ण समर्थन मिल रहा है और ये पार्टियां बस आगे पीछे का खेल खेलने, कभी समाजवादी आ जाती है सामने, कभी बसपा आ जाती है, लोग हर तरह से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। विपक्षी जो तंत्र है वो कभी प्रयोग करते हैं, कभी बसपा के साथ जाके देखते हैं, कभी वो समाजवादी के साथ जाके देते हैं, लेकिन आखिर में हताशा ही उनको मिल रही है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे इसमें बननी है, सारे वार्ड मेंबर भी जीत के आएंगे अधिकतर और एम सी आर्य उनकी पत्नी जो है कमलेश आर्य भारी मतों से विजयी होंगी।